ये है मत्ती की पुस्तक उसका 21 अध्याय। पाम संडे, इंग्लिश में ये शब्द बहुत मशहूर है, पाम संडे, और हिंदी में कहते हैं खजूर का इतवार। इतवार शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतवार अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे, है ना। यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घट रही है। यीशु मसीह की पूरी जिंदगी, मसीह जो आपका और मेरा उद्धार करता है, वो पूरा समय जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर है, वो समय सिर्फ भविष्यवाणियां हैं, भविष्यवाणियां हैं, जो घटना होने वाली है उस घटना के बारे में। आज उस उद्देश्य को देखेंगे कि वो उद्देश्य क्या था जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी व्यवस्था को किया जो लोगों के लिए एक उदाहरण था, एक भविष्यवाणी जो पूरी होती देखी, और उसी के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे आगे की भविष्यवाणियों का रास्ता खुल गया। हालेलुया। जैसा जैसा परमेश्वर के लोगों ने समय समय पर, भांति भांति के भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग समयों में परमेश्वर की ओर से ज्ञान पाकर, बुद्धि पाकर, वचन पाकर लोगों के साथ वो भविष्यवाणियां बांटी, वो भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी होती जा रही हैं, और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। हुई कि नहीं हुई? वैसे ही आज भी, अभी भी भविष्यवाणियां बाकी हैं, वो यीशु मसीह के आगमन तक और स्वर्ग में हमारे साथ क्या हुआ उस समय तक की भविष्यवाणी हमारे पास है। उन भविष्यवाणियों को बारी बारी से, समय दर समय और ठीक समय पर पूरा होना अवश्य है, और वो भी होगा। हालेलुया। यहां पर यरूशलेम में विजय प्रवेश यीशु मसीह के द्वारा, और जो विजय प्रवेश हो रहा है उस विजय प्रवेश की कहानी अब सुनेंगे। आइए पढ़े 21 अध्याय मत्ती की पुस्तक, उसका पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या वचन कहा गया था? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी, और इस भविष्यवाणी में बहुत खास बात है। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें खास बात है, ये भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात की गई कि देख सियोन की बेटी से कहो, किससे कहो? इज़राइल से कहो, इज़राइल से कहो, इज़राइल से क्या कहो? कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, नम्र है, दीन है, और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर है। ये लादू जो शब्द है ना, मैं बहुत समय तक समझता नहीं था। बहुत आसानी से लोग ना अपने घरों में अपने बच्चों को इस नाम से संज्ञा देते हैं, तू तो क्या है, गधा। क्या है? गधा। हाँ, तू गधा है, तू गधा है। और मुझे याद है, मैं गुजरात में था शायद, वहां पर एक भाई से मैं एक कहानी सुन रहा था। उसने बताया कि एक भाई है वहां पर, वो अपनी कार के पीछे लिखता है, मैं यीशु नो गधेड़ो छू। मैंने कहा क्या? और मैं समझ गया, गुजराती बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ओके, मैं समझ गया। लेकिन उसने कहा कि उसने अपनी कार पे पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है, मैं यीशु नो गधेड़ो छू, मैं यीशु का गधा हूं। मैंने कहा यह बहुत अच्छा है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। वही बात है, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझ सकते हैं, आत्मिक बातें सांसारिक लोग आत्मिक बातें कभी नहीं समझ सकते। यदि मैं कहूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है, और हम ये जानते हैं, जो विश्वासी लोग हैं जिनमें आत्मिकता है, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूं, ये प्रभु का वचन कहता है। आपको और मुझे अगर कोई कह दे मूर्ख, तो बुरा लगता है क्या? बोलो, मूर्ख बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रभु ने वचन में ये कहा है, क्या कहा है? मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करें, संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करें। ये संसार के जो ज्ञानवान है ना, वो बड़ा होशियार समझते हैं,
और सोचते हैं तुम लोग जो ईसाई बना रहे हो, अरे क्या बात कर रहे हो, हम ईसाई नहीं बना रहे, तुम्हारे अंदर ये गलत फहमी है। अभी बहुत खूबसूरत बात कही, क्या तुम जो कह रहे हो उसे समझ भी रहे हो? तुम कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तुम जो कह रहे हो उसे समझ भी रहे हो? तुम समझते नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं हम क्या कहते हैं। हालेलुया। वो भाई जो अपनी कार के पीछे इतने बड़े शब्दों में लिखता है मैं यीशु नो गधेड़ो चू, मैं यीशु का गधा हूं, वो मूर्ख नहीं है। लोगों को वो मूर्ख नजर आता होगा, लेकिन वो अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के सामने ले आता है। प्रभु देख मैं भी वही गधा हूं, तो मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं मूर्ख नहीं हूं, परंतु मैं मूर्खों में से चुना गया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मैं मूर्ख था, अब प्रभु ने मुझे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है। हालेलुया। और सुनिए बड़े गौर से, बड़ा मजा आएगा। यरूशलेम में जब निकट पहुंचे, इससे पहले क्या हो रहा है, यीशु मसीह यरीहो से जब निकल रहे थे तो वहां पर दो अंधे यीशु के पास आते हैं। कहते पुकारते हैं क्या, अरे यीशु नासरी हम पर दया करो, हमें छुड़ाओ, हमें चंगाई दो, हमारी आंखें खोलो। यीशु मसीह ने बोला जाओ देखो खुश रहो चंगाई पाओ। यीशु मसीह ने उनके साथ चंगाई की। उससे भी पहले हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है एक माँ की विनती को सुन रहे हैं, और यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही गवाही दी है। और आगे यहाँ 21 अध्याय में जैसे ही यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ पर से उसे दो चेलों को बोला, लड़कों जाओ फलानी तरफ जाओ और वहां एक गाँव है, वहां पर एक घर है, घर में तुमको गधी मिलेगी, गधी के साथ एक बच्चा मिलेगा और बच्चे को खोल के ले आओ, यदि तुमसे कोई पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वो गधी खोलते हैं, ठीक वैसा ही होता है। राधे श्याम जी आके बोलते हैं अरे अरे छोड़ाओ मारी गधी को, बच्चों क्यों खोलो छो, मेरी गधी का लड़का बच्चा क्यों खोल मेरी गधी का लड़का क्यों खोल रहे हो, था ना गधी का लड़का, गधी के तो लड़का था, हंस रहे हो आप लोग, वो खोला क्यों खोला? तो बोले प्रभु को उसको प्रयोजन है। सोच के देखो आप, गधी का बच्चा भी अगर कोई खोले तो क्यों खोल कर ले जाए, क्योंकि गधी परेशान होगी, वो परेशान होगी, उसका बच्चा नहीं है उसके पास, वो परेशान होगी, वो जैसी भी है जानवर ही सही, लेकिन माँ तो है। कोई भी जानवर अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ता। हमने ऐसी बहुत सी बातें देखी हैं कि यहाँ पर एक समय हो रहा है, लेकिन मालिक ने इतना सा सुनते ही तुरंत बोला ठीक है ले जाओ। कौन प्रभु, क्या प्रभु, किसके प्रभु, कितनी बात हुई है हमें ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है यीशु मसीह के नाम सुनते ही उसने बोला ठीक है ले जाओ, तुम्हें कोई प्रयोजन है, तो तुम्हें कोई योजना है ले जाओ। और उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। किसको मालूम था? क्या आपको लगता है यरूशलेम में लोग इंतजार कर रहे थे कि एक राजा आएगा गधी पर बैठकर, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा? क्या किसी को यह इंतजार था? क्या किसी को यह इंतजार था? कोई इंतजार कर रहा था? नहीं। उन दिनों में इस बात पर अब ध्यान दीजिए, देखिए फिर क्या होता है। जैसे ही वो लेकर आते हैं तो यहाँ लिखा है पांचवें पद में भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया पूरा जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होती है। क्या भविष्यवाणी है? सियोन की बेटी से कहो देखो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, गधे पर वरन लादू के बच्चे पर बैठा है, गधा जो है उसके बच्चे पर वो बैठा है। आगे देखो क्या लिखा है, चेलों ने जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डाली काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी वो पीछे पीछे आती थी। ये एक अच्छी घटना को देखिए, जैसे ही वो गधी का बच्चा उसके ऊपर वो लाया गया, चेलों ने अपने कपड़े उतार कर उस पर डाले। लोगों के लिए कपड़े आसान नहीं थे। आज ऐसा नहीं है जैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, फलाने कपड़ा लिया, वहाँ से लिया। उस समय कपड़े आसानी से नहीं आते थे। कपड़ा एक बहुत कीमती वस्तु होती थी। बहुत सारे लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं होता था, क्योंकि कपड़ा बनाना बहुत मुश्किल था। ऊन को कुतरना, ऊन का बिजनेस जरूर करते थे, लेकिन ऊन से धागा बनाना और धागे से कपड़ा बनाना ये बहुत मुश्किल काम है। लाला राम जी का खानदानी बिजनेस है ये, है ना, खानदानी बिजनेस है आप लोगों का, है ना। तो आप अभी भी आप यही करते हो, अब वो खानदानी कपड़ा बनाने का बिजनेस छोड़कर कपड़ों की सिर्फ सिलाई करते हो आप लोग, लेकिन यही चीज यही काम करते हुए सालों बीत गए। आपको मालूम है काम आसान नहीं,
आज उसकी कीमत नहीं मिलती, लेकिन उस जमाने में ये मशीनें, ये आइडिया, ये तरीके नहीं थे, कपड़े आसान नहीं थे। लोगों ने अपने कपड़े उतार कर जो है यीशु के लिए उस गधे पर डाल दिए चेलों ने। और देखो उसके बाद जितने लोगों ने देखा, जितने लोगों ने यह समझा, उतने लोगों ने अपने अपने वस्त्र जो हैं जमीन पर डाल दिए, पेड़ों की डालियां काटकर जमीन पर डाल दी, लोगों ने अपने वस्त्र सड़क पर डाल दिए। उस समय कोई कांच की सड़कें नहीं थी, टाइलें वहां पर नहीं लगी थी, वहां पर मिट्टी और कंकर और पत्थर थे, गंदगी थी, लेकिन फिर भी अपने कपड़े डाल दिए। किसके लिए? क्योंकि उनको एक वचन याद आ रहा है जो जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और उसके आगे इस प्रकार से लोगों ने क्या कहा, 9 वचन में देखो, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, क्या कहती थी, अमन दाऊद की संतान को। ठीक ऐसे ही जैसे वहां पीछे आप भीड़ दिख रहे हो ना, ठीक ऐसे ही जो है डालियां हिलाते हुए वो लोग आए और वो सब लेकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। ठीक ऐसे ही इनके पास 4-5 डालियां हैं, सोचो उनके पास पेड़ की कमी नहीं थी, और उन्होंने खूब सारी डालियों का इस्तेमाल किया और यहोवा की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, तारीफ और जयकार करने लगे, प्रभु यहोवा की स्तुति करने लगे। लेकिन किस लिए? एक सवाल है, क्या वो लोग वाकई में इस बात को समझते थे? लोगों ने बात बचपन से सुनी थी कि देखो एक उद्धारकर्ता आएगा। पहली बार जब परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए एक मसीहा भेजा था, और वो था मूसा, जो कि जो है इसराइलियों के लिए जो कि मिस्र में बंधुआई में थे, उस बंधुआई से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और यहाँ पर पूरी दुनिया को बंधुआई से निकालने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से धरती पर स्वयं परमेश्वर आया, और यहाँ पर उस जो है उद्धार के कार्य की जो शुरुआत हो रही है उसका आगाज ये विजय प्रवेश है। हालेलुया। यहां पर लोग देख रहे हैं, लोगों ने अपने कपड़े बिछाए हैं, लोग जो है इंतजार कर रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, कुछ लोग तो बस लोगों के कहने पे कर रहे थे, ठीक है, बोले माँ बाप कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, और लोग ये सब कुछ कर रहे थे। कुछ लोग ये देखकर जो है गुस्सा और नाराज भी हो गए, शास्त्री और फरीसी कहने लगे, ये कौन है जो अपने आप को क्या समझता है, क्योंकि वो एक राजा का इंतजार कर रहे थे। देखो जैसा क्या लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। कौन आता है? राजा तेरे पास आता है। मेरे साथ निकालें जकरिया की पुस्तक, इस बात को समझें। जकरिया की पुस्तक 9वां अध्याय और 9वां वचन में पढ़ रहा हूं आपके लिए, लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है जो जकरा भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई, और ये भविष्यवाणी लोगों तक प्रचार की गई, लेकिन आपको मालूम है पूरी बात किसी को नहीं पता है, ठीक से उन्होंने कभी नहीं समझा है, और वो सोचते हैं कि एक ऐसा राजा आएगा जो अपने साथ जो है यरूशलेम को शांति देगा। कुछ बातें उन्होंने सुन ली और इसीलिए वो यीशु का विरोध कर रहे हैं, वो यीशु को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा था कि वो भविष्यवाणी को पूरी ढंग से नहीं समझते थे, यदि समझते होते तो फिर शायद उद्धार के उस कार्य को आप कैसे देखते जो कि प्रभु यहोवा के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु के लहू बहाए जाने से था। अगर उन्होंने यीशु को ऐसे ही स्वीकार कर लिया होता तो सब चीजें आसान हो जाती, फिर क्रूस पर जो है लहू बहाना कहाँ रहता, क्योंकि यीशु को तो स्वीकार कर लिया और यहूदियों का उद्धार होता, बस सिर्फ यहूदियों का, लेकिन यीशु का क्रूस पर बहाया जाने वाला लहू वो आपकर मेरे उद्धार के लिए भी ठहरा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को आपके और मेरे लिए रखा है, और इस वचन से देखिए, हे सिय्योन बहुत ही मगन और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये तो सबको याद था, ये सबको याद था, लेकिन इसके आगे लिखा है, मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे,
और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। ये बातें जो है वो ठीक से समझे नहीं, दसवां पद वो ठीक से समझे नहीं। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज पृथ्वी के चारों ओर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसकी उस पर विश्वास करने वाले, उसके द्वारा उद्धार पाए जाने वाले लोग हैं। आज ये बात समझने के लिए दूसरा वचन लोगों को समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है कि बस ये जो राजा आएगा वो तलवार लेकर आएगा, घोड़ों पर आएगा, अपने सेना के साथ आएगा। वो राजा को दुनिया के समान देख रहे हैं और इसीलिए आसान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इस घटना को देखा, लोग होसना तो कह रहे हैं, स्वर्ग में महिमा हो, यीशु की जो है परमेश्वर की महिमा हो, होसना होसना गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में शंका है कि वाकई में ये कैसे, ये तो गधे पे लादू के बच्चे पर, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी ही थी, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी ही थी। सवाल पता है क्या, हर साल हम ये संदेश सुनते हैं, इस पर बात करते हैं, साल में एक बार ये संदेश जरूर प्रचार किया जाता है। आज के दिन और पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, आज के दिन इस विषय पर प्रचार किया जा रहा है। लेकिन एक संदेश जो हम अक्सर भूल जाते हैं, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर आपसे एक ही बात करता है। राजाओं का राजा एक ही बात कर रहा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 12-13 पद में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दें, यह जरूरी है। व्यवस्था के विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 12-13 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। अब हे इसराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। ये कहो कि आप अपना नाम लेकर कहो, अपना नाम लेकर कहो, अब हे आकाश दीप, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। अपने नाम से आपसे सोचो, आपके लिए सोचो कि प्रभु परमेश्वर यहोवा आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है, प्रभु कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। आपको और मुझे क्या आज्ञा दी है, परमेश्वर का भय मानना। क्या भय मानना है, आगे देखिए लिखा है, और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये भाग आपको अच्छी रीति से समझ में आना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसे उसको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। यदि तू सुनेगा, ग्रहण करेगा, अपने जीवन में लागू करेगा। नहमाया की पुस्तक में भी प्रभु ने यही बातें की, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम करोगे तो है ये बातें, तो परमेश्वर की ओर से वो सारी भलाइयां और वो सारी आशीषें मिलेंगी। नए नियम में आइए, नए नियम में भी यही संदेश है, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य। मन फिराओ किस बात से, पुराने जीवन से। यदि तुम आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे। आज आपके और मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। मैं कल रात को जब अपने घर जा रहा था, इट वॉज अबाउट 11:30 और शायद 11:30 बज रहे होंगे, और मैं प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु कितना भारी है, कितना भारी है। संसार में जीवन जीना बड़ा आसान है, कुछ भी करो, कुछ भी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलो, गाली बको, व्यभिचार करो, है ना, चोरियां करो, धोखा दो, है ना, दूसरों के साथ कुछ भी व्यवहार करो, किसी के साथ कुछ भी करो, संसार में रहना बहुत आसान है। लेकिन प्रभु तेरा मार्ग वाकई में बड़ा कठिन है, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आत्मिक स्तर में प्रभु मैं संसार के समान नहीं बनूंगा, बुराई नहीं करूंगा, और मैं मेरे जीवन में से ऐसे कोई पाप ना होंगे प्रभु, मैं ऐसे मार्गों पर नहीं चलूंगा जिससे मैं तुझे जो है रोष दिलाऊं, तेरे सामने जो है क्रोध का कारण बनूं। प्रभु यह हुआ, प्रभु मैं वाकई में डरता हूं इस बात से। ये है डर, ये डर है, लेकिन असल में यह आदर है, यह सम्मान है, और प्रभु की इच्छा पर चलना है। यह डर है एक बेटे का अपने पिता के प्रति। हम परमेश्वर से ऐसे नहीं डरते, पूरे मार देगा रे,
हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम आदर करते हैं, वो मेरा पिता है, प्रभु मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मेरे पिता मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं तुझे निराश करूँ, तुझे जो है दुख पहुँचाऊँ, खेदित करूँ। एक ही संदेश परमेश्वर का है और वो संदेश आज भी यहाँ प्रकट किया जा रहा है। परमेश्वर ने तब भी बचाने की बात की और आज भी फिर से बचाया। आगाज है ये यरूशलेम में जब मंदिर जब पहली बार बना राजा सुलेमान के समय, तो परमेश्वर ने उनको सीधे तौर पर कह दिया, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और जब तुम ये सब मेरी ओर करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। आज भी प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश उस होने वाली आगे आने वाली बातों का आगाज है कि देखो तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग मैंने खोल दिया है। हालेलुया। लोग तब भी नहीं समझते थे। पता एक बात क्या है, आज यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, पर क्या आप अभी भी ये समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आप परमेश्वर के खास हैं? लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, सही है, प्रभु ने अपने सेवक को इसीलिए रखा है और उसका काम है, उसकी सेवा है और प्रभु ने उसको इसीलिए नियुक्त किया है। दो तरह के लोग यीशु मसीह के साथ उस समय थे, एक तो वो जो यीशु के साथ चल रहे थे और एक वो जो उसको आज पहली बार देख रहे थे या उसके बारे में सुना था और बस होसना कहकर पुकार रहे थे। अब पता है वो क्या कह रहे होंगे चेलों से, भाई साहब मेरी बात करा दो ना यीशु मसीह से, यीशु से मेरी प्रार्थना करा दो, अरे प्रार्थना करा दो यीशु मसीह से मेरी। वो ये बात कर रहे होंगे, वो यीशु से ये कह रहे होंगे, यीशु के चेलों से बात कह रहे होंगे। आज आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है, अलग किया है, आपको राजपदधारी याजकों का समाज ठहराया है। आज पूरे भारत में, दुनिया भर में लोगों को मैं देखता हूं, वो पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तब चमत्कार होगा मेरे लिए। अरे प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वो प्रार्थना करेंगे और जो है उनके द्वारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अगर आप लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो यरूशलेम का विजय प्रवेश उस दिन हुआ था जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया था। जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया था वही यरूशलेम का विजय प्रवेश था, क्योंकि उस दिन यीशु आया था। हालेलुया। आप कौन से लोगों में से बनना चाहते हो? यह कहना कि प्रभु आ रहा है, या यह कि मैं भी प्रभु के साथ आ रहा हूं, मैं भी प्रभु के साथ हूं। चेलों के पास वो अधिकार थे, चेले यीशु के साथ बैठते थे, चेले यीशु को जानते थे, यीशु को पहचानते थे, यीशु से बात करते थे, यीशु के साथ रहते थे। लेकिन वो लोग जो आज सिर्फ अपने कपड़े डाल रहे हैं या झाड़ियां हिला रहे हैं, जो वेलकम कर रहे हैं, भली बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो इससे भी आगे बढ़कर उस अधिकार में आओ जिस अधिकार के लिए यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर सारे जगत के लोगों को जो है जो मैंने तुम्हें बताया है उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सुनकर लेने वाले यीशु के चेले कहलाते हैं, और जो चेले हैं वो प्रभु से प्रार्थना करना जानते हैं क्योंकि उनका सीधा रिश्ता है। वो नहीं कहते मैं यीशु मसीह के एक प्रभु के सेवक को जानता हूं, वो कहते हैं मैं यीशु को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं राजाओं के राजा को जानता हूं, मैं प्रभु को स्वयं जानता हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के सेवक है और उनका आदर बड़ा जरूरी है, और जो प्रभु के सेवक का आदर नहीं करता परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। लेकिन कुछ लोगों ने प्रभु के सेवकों को ही सब कुछ बना लिया, प्रभु का श्रेष्ठ दास, बड़ा दास, महान दास। अरे महान तो प्रभु है। एक मुस्लिम आदमी बोल रहा था और वो बहुत खूबसूरत बात बोल रहा था। He was teaching to the doctors, वो कह रहा था कि तुम लोगों में से ना बहुत से लोगों के अंदर बहुत बड़ा ईगो है, मेरे बारे में कह दिया, ईगो 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 है ना, बहुत ज्यादा मेरे बारे में कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तुम्हारी इज्जत है कहां? इज्जत तो खुदा की होती है, इज्जत तो परमेश्वर की है, तुम्हारी क्या इज्जत है? वो गीत हम गाते तो हैं लेकिन कभी समझते नहीं, प्रभु तू बढ़े और मैं नहीं घटूंगा, प्रभु तू बढ़ेगा मैं भी तो बढ़ूंगा,
यही कहते हैं लेकिन हम गीत असल में जो गाना है प्रभु तू बड़े और मैं घटूं, यही है गीत, मैं नहीं परंतु तेरी ही महिमा हो। लेकिन अब लोगों ने भी ये कर दिया है। मेरे प्रियो आओ और सीधी रीति से सीखो, आप उस भीड़ में से कैसे व्यक्ति बनना चाहते हो। इस भाग का आज का ये दिन जो यहाँ है, खास तौर से ये दिन जब यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश हो रहा है, वो ये जो ये यरूशलेम में विजय प्रवेश तब हुआ जब आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। जब आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया वो है विजय प्रवेश। आज आपने अपने जीवन में यीशु को स्वीकार किया, आज यीशु मसीह का विजय प्रवेश आपके जीवन में है। हालेलुया। चुन लो कैसे लोग बनना चाहते हो। क्या ये बनना चाहते हो वो लोग जो भीड़ में थे और सिर्फ जो है डालियां हिलाकर कह रहे हो कि हमने यीशु के चेलों को जानते हैं, हम यीशु के बारे में जानते हैं कि यीशु को जानते हैं। लोग खुश होते हैं इन बातों से, लेकिन आओ हम यीशु को जान लें, यीशु को पहचान लें। और अगर हम जानते हैं, आप ये क्या हो कहो कि हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं। अगर आप में आप यीशु को जानते हो, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो यीशु आप में होना चाहिए, और अगर आप में है तो आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन से यीशु दिखना चाहिए। यरूशलेम में यीशु का विजय प्रवेश नहीं हो रहा, यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश हो चुका है। हालेलुया।